जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमें देखने को मिला है कि किस प्रकार से घूम के इति को लेकर काफ़ी फैंस की ऐसी डिमांड आई है कि जो कि उसके रिव्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को देखने के बाद ही हम कुछ लापता हो गए थे। जैसा कि आपने देखा था, इस मूवीज़ का ट्रेलर देखा होगा, G5 पे ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली थी। उससे पहले हमें देखने को मिला कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की खोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं अनुराग कश्यप। जहाँ बात की जाए अगर रियल लाइफ की, यहाँ पर हमें देखने को मिला एक्टिंग की दुनिया में अनुराग कश्यप ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी खोज करके गैंग ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म बनाई थी। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इतना नाम हो चुका था, लेकिन इस फिल्म को रिलीज़ करने के बाद कहीं ना कहीं अब उस नाम को नीचे गिरा लिया है। हमें देखने को मिला है कई सारे ऐसे रिव्यूज़ और कई सारी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं इस मूवी रिव्यूज़ के बाद में, तभी हम आपके लिए ऐसा रिव्यूज़ लेकर आए हैं जो कि एकदम ऑनेस्ट होगा। अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं तभी आप इस मूवी को देखने की हिम्मत करिएगा, नहीं तो आप अपना समय नहीं व्यर्थ करिएगा, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिला है अनुराग कश्यप की एक ऐसी एक्टिंग जो कि ज़्यादा खास नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कंधों पर काफ़ी भार है, क्योंकि उस फिल्म में भी इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भले से इसकी स्टोरी लाइन कुछ ज़्यादा खास ना हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप की लापता स्टोरी को, यानी कि जिसके प्रयास घूम के को ढूंढते हुए दिखाई दे हैं अनुराग कश्यप, उनकी खोज में कहीं ना कहीं आप इस फिल्म को देखते हुए खुद ही लापता हो जाएंगे कि इस फिल्म में आखिर हो क्या रहा है। हमें देखने को मिल रहा है किस प्रकार से नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी कहानियों के चलते बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में धमाका करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घूम केतु की खोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं अनुराग कश्यप। बात करें इस फिल्म में करने वाले कुछ और बड़े कलाकारों की, जिन्होंने इसमें किरदार निभाया, उसमें नाम आता है अनुराग कश्यप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रागिनी खन्ना एंड रघुवीर यादव। इसके साथ ही हमें कुछ कुछ झलक देखने को मिल जाती है रणवीर कपूर, रणवीर सिंह की, और साथ ही साथ सोनाक्षी सिन्हा, अमिताभ बच्चन जी की भी कुछ कुछ झलक देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर रिव्यूज़ और कुछ कहानियाँ ऐसी कहती है कि अगर इस फिल्म को देखने वाले की हिम्मत है तो देखनी चाहिए। ज़्यादातर ये कहानी कही जाती थी कि G5 नेटफ्लिक्स ऐसा प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे कुछ ऐसी मूवीज़ रख दी जाती है, अपलोड कर दी जाती है, जिनको एक स्टोरेज के तौर पर कहा जाता है, यानी कि उन ख़राब मूवीज़ को सिर्फ यहाँ पे स्टोर करके रख दिया जाता है। अब वही जिम्मा G5 भी उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी बीच में सीरीज लाया था जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी। अब घूम के तो रिलीज़ होने के बाद जो काफ़ी सालों पहले शूट हुई थी, उसको यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म पे लॉकडाउन के समय में लोगों का मनोरंजन करने के लिए लाया गया, तो ये गलत सोच होगी, क्योंकि इससे लोगों ज़्यादा मनोरंजन नहीं हुआ, लोग बल्कि लापता हो गए हैं। इस मूवी को देखने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के आप दोबारा से फ़ैन हो जाएंगे अगर आप पहले से फ़ैन हैं। तो हम आशा करते हैं आप हमारे इस ऑनेस्ट रिव्यू को देखने के बाद, आप अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं तो आप ज़रूर देखेगा ये, आपको मूवी पसंद तो आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ये कहेंगे कि क्या मूवी थी। आप मूवी देखने के बाद हमें भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि हमारे और भी फैंस, हमारे और भी दर्शक इस बात की जानकारी ले सके कि उनको मूवी देखनी चाहिए या नहीं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और साथ साथ अगर आपने घूम के तो मूवी देख ली तो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे और वीडियोज़ के लिए धन्यवाद दोस्तों।